हे एवरीवन, कैसे हो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट ऑन अमेज़न, इट शुड नॉट रिजल्ट इन योर ओल्ड प्रोडक्ट सेल्स गोइंग डाउन। काफी बार हमने देखा है कि सेलर्स कंप्लेन करते हैं कि जब हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हमारा ओल्ड प्रोडक्ट सेल होना बंद हो जाता है या तो उनकी सेल्स डिक्रीज हो जाती है। और इसके काफी सारे रीजन है। नंबर वन रीजन इज कैनिबलाइजेशन। अब कैनिबलाइजेशन होता क्या है? कैनिबलाइजेशन का टर्म का मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ नया लॉन्च करते हो अमेज़न पे या कोई भी जगह और आपकी पुरानी चीज जो होती है वो कम हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो न्यू प्रोडक्ट की सेल्स है वो ओल्ड प्रोडक्ट की सेल्स को लेती जाती है। इसका मतलब ये कि व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट आपके ओल्ड प्रोडक्ट से सिमिलर है और कंपीट कर रहा है, तब होता क्या है कि एक ही ब्रांड के दो प्रोडक्ट दिखते हैं सिमिलर, एक नया होता है एक पुराना होता है। और अगर नया प्रोडक्ट वही सेगमेंट में कंपीट कर रहा है तो आपकी ओल्ड प्रोडक्ट की सेल्स जनरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है न्यू एंड ओल्ड में और आपकी ओल्ड प्रोडक्ट की सेल्स धीरे धीरे कम हो जाती है। सो कैनिबलाइजेशन इज द नंबर वन थिंग। तो जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करो अमेज़न पे, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो एग्जैक्टली सेम ना हो और एक दूसरे में कंपीट ना कर रहा हो। अगर एक दूसरे में कंपीट करेगा तो आपकी ओल्ड प्रोडक्ट की सेल्स धीरे 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 डाउन हो जाएगी और आपकी न्यू प्रोडक्ट की सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मींस आपका सेल्स का कोई बेनिफिट नहीं हुआ बट आपकी सेल्स उतनी की उतनी रहेगी। नाउ यू हैव टू इन्वेंट्री इंस्टेड ऑफ वन इन्वेंट्री एंड वन SKU। द सेकंड रीजन इज एडिंग टू मेनी वेरिएशंस। काफी बार मैंने देखा है कि सेलर्स ब्रांड्स ये कॉमन मिस्टेक करते हैं जहां पर उनकी जो ओरिजिनल ओल्ड प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है जिसमें काफी सारे रिव्यूज जस्ट टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ रिव्यूज फॉर देयर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, वो वही प्रोडक्ट के अंदर काफी सारे वेरिएशंस ऐड करते रहते हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है कि कोई कोई सेलर्स ऑलमोस्ट 30-40 वेरिएशंस ऐड कर देते हैं। और होता क्या है कि अ कंफ्यूज्ड माइंड नेवर बाइज। इमेजिन करो आप एक कस्टमर हो, आप वो एक लिस्टिंग पे एंटर हो जाते हो, अब आपको एक ऑप्शन नहीं, आपको 20 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या होगा? एक कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ये लू कि मैं वो लू कि मैं ये लू। एंड अ कंफ्यूज माइंड नेवर बाइज। इसका मतलब कस्टमर्स बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं और इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 1, 2, 3 आइटम्स दे एक्चुअली एंड अप परचेजिंग नथिंग। सो बहुत सारे लोगों को लगता है इनको बेनिफिट मिल रहा है बट होता यह है कि इनको बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। उनके जो ओल्ड प्रोडक्ट है उनकी सेल थोड़ी और डाउन हो जाती है और न्यू प्रोडक्ट्स में आ जाती है बट ओवरऑल उनकी सेल्स नहीं बढ़ती है। सो वेरिएशंस जो आपके हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, मैक्सिमम 4 to 5। उसके ऊपर अगर आप करोगे तो होगा ये कि आपकी ओवरऑल सेल्स डाउन हो जाएगी। वो सारे पेरेंट को मिलाकर जो सेल्स होनी चाहिए न्यू प्रोडक्ट्स की ओल्ड प्रोडक्ट्स की टुगेदर, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी या तो वो उतनी रह जाएगी और मार्जिनल बढ़ेगी। और आपको ये याद रखना है कि अ कंफ्यूज माइंड नेवर बाइज, इसीलिए टू मेनी वेरिएशन नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 5 to 7। 7 इज ऑन अ हायर साइड बट मैक्सिमम 5। अगर आप क्लोथिंग ब्रांड बेचते हो दैट्स ओके, बट अगर आप एक नॉर्मल सेलर हो जो दूसरे प्रोडक्ट्स में डील करते हो, एडिंग टू मेनी वेरिएशंस विल ऑलवेज क्रिएट मोर एंड मोर कंफ्यूजन। इंस्टेड ऑफ एडिंग टू मेनी वेरिएशंस, 5 वेरिएशंस होने के बाद क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग एंड एड अदर वेरिएशंस ऑन द सेम टू मैक्सिमाइज योर सेल्स। द थर्ड रीजन इज पुअर प्रोडक्ट विजिबिलिटी। जब आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है आपकी विजिबिलिटी में इन टर्म्स ऑफ अमेज़न एडवर्टाइजिंग। यस, इट इज डिफरेंट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मैं बहुत सारे वेरिएशंस ऐड करूंगा मेरी विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये एक्चुअली ट्रू नहीं है बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अमेज़न पे कोई भी सर्च करोगे तो अमेज़न सिर्फ एक कीवर्ड पे एक ही प्रोडक्ट का वेरिएशन अलाउ करेगा। इसका मतलब अगर आपके पास लेट्स से 7 वेरिएशंस है, आप बहुत सारे कलर्स में डील कर रहे हो, लेट्स से साड़ी बेच रहे हो, अब प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी कोई आदमी डालेगा आपके मेन कीवर्ड्स लेट्स से साड़ी फॉर वुमेन, अब प्रॉब्लम ये होगा कि 7 वेरिएशन में से सिर्फ एक ही वेरिएशन दिखाएगा अमेज़न पर सर्च रिजल्ट। इसका मतलब पेज 1 पे कभी भी आपके 7 वेरिएशन डिस्प्ले नहीं होंगे, विच इज अ बिग बिग डिसएडवांटेज। आपके पास 7 वेरिएशन होने के बाद भी आपको प्रोडक्ट पेज पे एक ही प्रोडक्ट डिस्प्ले करने मिलेगा। अगर आप एड्स भी रन करोगे तो भी आपको अमेज़न सिर्फ एक ही वेरिएशन अलाउ करेगा दिखाने के लिए कोई भी कीवर्ड पे। अगर आपने साड़ी डाला और आपने 7 प्रोडक्ट्स ऐड भी कर लिए एडवर्टीजमेंट में, एट अ टाइम एक ही वेरिएशन अलाउ होगा। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बिकॉज आपकी प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। आप इमेजिन करो, आप अगर आप 7 डिफरेंट एसेंस डालोगे और कोई सर्च करेगा साड़ी, आपके 7ों की 7ों वेरिएशन दिखने की चांसेस बहुत हाई है अगर वो इंडिविजुअल एसेंस में होंगे तो। सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। इफ यू हैव टू मेनी वेरिएशंस, आपकी ओल्ड प्रोडक्ट की सेल्स और न्यू प्रोडक्ट की सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और आपकी ओवरऑल सेल्स शायद नहीं बढ़ेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट
एडिंग टू मेनी वेरिएशन इज नॉट अ गुड आइडिया. 5 वेरिएशन मैक्सिमम, फिर नया लिस्टिंग क्रिएट कर दो. एंड योर ओल्ड प्रोडक्ट शुड नॉट कम्पीट विद योर न्यू प्रोडक्ट, अदरवाइज आपकी ओल्ड प्रोडक्ट की सेल्स शिफ्ट हो जाएगी न्यू प्रोडक्ट में एंड ओवरऑल सेल्स इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी. अगर आपको सीखना है Amazon एडवर्टाइजिंग इन डेप्थ, देन क्लिक द लिंक बिलो, वॉच माई 20 मिनट्स वीडियो एंड देन बुक अ कॉल विद माई टीम एंड देन वी विल गेट अ कॉल एंड वी विल हेल्प यू टू एक्चुअली स्केल एंड ग्रो योर सेल्स on Amazon. Bye-bye and take care.